हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस होता क्या है इसको आप समझ लीजिए पहले। द वायरस मूव्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट फॉर इट्स सर्वाइव पर्पज के लिए। अगर एक वायरस किसी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होता है तो उसको ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस हम कहते हैं। अब इसको एक सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक प्लांट है जो वायरस से ग्रसित है, वो एक प्लांट है जिसमें वायरसेस पहले से मौजूद हैं, ठीक है। अब उस वायरस ग्रसित प्लांट से किसी हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। तो वायरस जो प्लांट में ट्रांसमिशन वायरस का निम्नलिखित तरीके से होता है, जिसमें पहली हेडिंग हो जाएगी इसके अंतर्गत ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराया जाता है उस माध्यम से अगर वायरसेस ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम ट्रांसमिशन बाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे ट्यूबर्स, कुछ प्लांट्स के ट्यूबर्स को हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव के रूप में क्या करते हैं, प्रोपागेट करते हैं। कुछ के कॉर्प्स करते हैं, कुछ के बल्ब्स करते हैं, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, इन सभी मेथड के माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है। अब अगर इस माध्यम से वायरस का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें कौन सी डिजीजेज हैं जो इस मेथड के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, चलिए देखिए। दिया गया है पोटैटो स्पिंडल, क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस यानी PSTV, ये है ट्यूबर्स द्वारा ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद है कट्टे डिजीज किसके द्वारा होती है, बल्बिल्स द्वारा, ठीक है, थ्रो बल्बिल्स द्वारा ये डिजीज ट्रांसफ़र होती है। तो इसके अंतर्गत हमने ये एग्जांपल्स बताया। दूसरी हेडिंग हो जाएगी इसके अंतर्गत ट्रांसमिशन बाई फ्रिक्शन एंड रबिंग। दूसरा हो जाएगा ट्रांसमिशन बाई फ्रिक्शन एंड रबिंग। पोटैटो वायरस एक्स जो है और टोबैको मोजेक वायरस एंड ये सभी कुछ डिजीजेज हैं जो कि फ्रिक्शन एंड रबिंग के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, या वन होस्ट टू अनदर होस्ट। चलिए अगला हो जाएगा इसके अंतर्गत ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट क्या होगा, जैसे देखिए किसी एक प्लांट में क्या है, डिजीज है और अल्टरनेट उसी प्लांट में, उसी का दूसरे प्लांट में अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे अल्टरनेट कहते हैं, यानी एक के बाद एक पीढ़ी आती जाएगी और वो वायरस ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, दैट इज ए अल्टरनेट होस्ट कहलाता है। जैसे एलोबेन मोजेक ऑफ भिंडी, ये एक डिजीज है जो एलोबेन मोजेक वायरस द्वारा काज की जाती है, ठीक है। और कुकुरबिट मोजेक, ये भी ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा, अल्टरनेट होस्ट के माध्यम से ये डिजीजेज ट्रांसफ़र होती है। तो ये थी तीन हेडिंग। अगली हेडिंग हो जाएगी इसके अंतर्गत, यानी ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी ट्रांसमिशन थ्रू सोयल एंड सीड्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर वायरस डिजीज का ट्रांसफ़र इसी द्वारा होता है, यानी सोल्स एंड सीड्स द्वारा ट्रांसफ़र होता है, ओके। लगभग 100 ऐसे सीड बॉर्न वायरसेस की जानकारी हो चुकी है अब तक की, प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जैसे बीन मोजेक वायरस भी सीड बॉर्न और सोयल बॉर्न के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। वार्ली स्ट्रिप मोजेक वायरस, यह भी इसी माध्यम से होता है। कर्ल टॉप वायरस ऑफ बीट शुगर एंड रिंग स्पॉट वायरसेस सोयाबीन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सीड, ये सभी हैं जो सीड के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अगली नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगी इसमें ट्रांसमिशन थ्रू पोलन ग्रेन। अब देखिए, ऐसे वायरसेस, प्लांट वायरसेस मेनली जो किसके द्वारा, पोलन ग्रेन्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं वन होस्ट टू अनदर होस्ट, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन थ्रू पोलन ग्रेन्स, इसी को हम बोलेंगे। जैसे कोई एक प्लांट है जो वायरस से ग्रसित है, उसका पोलन भी वायरस से ग्रसित होगा। अब उसका पोलन किसी हेल्दी प्लांट के, यानी यूँ समझ ली एक प्लांट यहाँ है जिसके फ्लावर में पोलन ग्रेन पाए जा रहे हैं ढेर सारे, ठीक, एक यहाँ पर हेल्दी प्लांट है जिसके फ्लावर में भी पोलन ग्रेन हैं, लेकिन स्टिग्मा पर, इसके स्टिग्मा ओवरी में, यानी जनरली इसमें पॉलिनेशन होगा इस प्लांट पे, अगर पॉलिनेशन इस प्लांट के पोलन ग्रेन के माध्यम से हो जाता है तो ये पहले से इन्फेक्टेड है और ये हेल्दी है, तो ये भी इससे अगली आने वाली जितने भी प्लांट्स होंगे
यानी उसके सीड से जो अगले प्लांट्स होने वाले होंगे वो सभी क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे वायरस से। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन के माध्यम से ट्रांसमिशन होता है। तो देखिए कौन सी डिजीजें हैं जो इस माध्यम से होती है, जैसे दिया है स्टोन फ्रूटरिंग स्पॉट वायरस, ये ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है, पोलन ग्रेन के माध्यम से होता है। और भी बीन मोजेक वायरसेस हो गया, ये भी किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, इसी वायरस के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसमिशन थ्रू फंजाई, ट्रांसमिशन थ्रू फंजाई, फंजाई के माध्यम से कौन सी डिजीजें हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे यहाँ पर दिया है फंजाई मीन्स कवक हो जाएगा। ठीक है, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, इसका ट्रांसमिशन फंजाई द्वारा होता है। ठीक है, सिनकाइट्रियम जो हो गए मेन इंपॉर्टेंट इसमें फंगस है जो ट्रांसफ़र करता है, इसको लेकर के जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा इसमें ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट, अब वो वायरसेस जो इंसेक्ट वेक्टर के रूप में लेकर के जाता है उन्हें हम ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट कहते हैं या वेक्टर्स कह सकते हैं, जैसे लीफ हॉपर, दैट इज ए इंसेक्ट, ये एक प्रकार का इंसेक्ट है, लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर, ठीक है, वाइट फ्लाई, ये सभी क्या करते हैं, एक वेक्टर का काम करते हैं। ये सभी अगर वायरस को ट्रांसफ़र करते हैं वन होस्ट टू हेल्दी होस्ट यानी अदर होस्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट। कई ऐसी डिजीजेज हैं जैसे यहाँ दिए गए एलोबेन मोजेक ऑफ भिंडी, लीफ कलर ऑफ चिली, एलो मोजेक ऑफ मूंग एंड मैनी अदर्स वायरल डिजीजेज आर ट्रांसमिशन बाई वाइट फ्लाइज, वाइट फ्लाइज द्वारा ये सभी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है।